वेलकम एवरीबॉडी टू द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडेज डेली स्कैन इनिशिएटिव, जहां पर अपन बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। तो अभी तक अमरनाथ यात्रा को पूरा करने के लिए एक बहुत ही टीडियस पाथ फॉलो किया जाता था, और बहुत बार अपन ने देखा है दिस वे हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिस्ट एक्टिविटीज, इट हैड लेड टू मिसहैप्स, बहुत सारे लोगों को फिजिकली प्रॉब्लम होने लगी है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि रास्ते में डेथ भी हुई। ऐसे इंसिडेंट्स अमरनाथ यात्रा में बहुत कॉमन हुए हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीआरओ की मदद से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पहली बार एक रोड कंस्ट्रक्ट की है जहां अब आप कार तक सीधा श्राइन तक जा सकते हैं। दिस वुड ईज द ट्रैवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू द होली श्राइन। अब क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा और टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडेक्स ऑफ एरिया को बढ़ाएगा, या ऑलरेडी फ्रेजाइल ह्यूमन जो हिमालयन इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। एंड वी विल ऑल्सो बी लुकिंग इन टू कि क्या है ये और कितने पाथ्स से जाया जा सकता है अमरनाथ यात्रा। तो सबसे पहले द कंस्ट्रक्शन हैज बीन टेकन बाई अंडरटेकन बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है प्रोजेक्ट ब्याकन के अंदर इसे बनाया गया है, रिसेंटली अपडेट किया खुद बीआरओ ने, इसे ट्वीट करके अपडेट किया था। अब यदि अपन बात करें अमरनाथ यात्रा की, तो दिस इज द होली श्राइन ऑफ अमरनाथ यात्रा। यदि इफ वी लुक इनटू द जम्मू एंड कश्मीर मैप, तो लोअर साइड आता है जम्मू प्लेन्स एंड ऊपर तरफ आता है श्रीनगर वैली। तो ये श्रीनगर वैली में स्थित एक होली श्राइन है अमरनाथ। इसको पहुंचने के लिए बाय रोड अभी तक दो मेथड्स यूज किए जाते थे। नंबर वन, यदि आप देखोगे ऑन द नॉर्दर्न साइड, यदि अपन जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखें तो कुछ इस तरीके से मैप है। दिस इज कश्मीर जम्मू वैली एंड दिस इज श्रीनगर। यहीं पे दोनों के बीच में लाई करता है अमरनाथ। तो अमरनाथ पहुंचने के दो तरीके हैं। नंबर वन है पहलगाम के रास्ते से। अब यदि पहलगाम के रास्ते से आप देखोगे तो रास्ते में चंदनवाड़ी पड़ता है। तो ये जो 16 किलोमीटर का पाथवे है, ये ऑलरेडी पहले से मोटरेबल था। मोटरेबल मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी व्हीकल सप्लाई करती थी, और चंदनवाड़ी से आगे तक ये जो पूरा का पूरा रास्ता था ये बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी था, इसमें कोई भी रोड डेवलप नहीं थी और इसी रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। ये जो पूरा का पूरा रास्ता है पहलगाम से लेकर अमरनाथ तक, इसको पूरा करने में पिलग्रिमेज को 3 to 4 days लग जाते थे। लेकिन दूसरे पाथ के कंपैरिजन में जो बलतल से जाता है ये थोड़ा सा इजी था। तो जितने भी नॉर्मली बड़े लोग जाते थे, ओल्ड एज लोग, वो इस पाथ को यूज करते थे। फ्रॉम चंदनवाड़ी टू अमरनाथ या तो आपके पास दो ऑप्शन रहते थे, या तो आप पोनी को यूज करते थे जो खच्चर जैसा होता है, या तो आप वॉक और ट्रैक करते हुए आगे जाओगे। ये जो पाथ है पाबीलाल से नागाकोटी तक, ये बहुत ही ज़्यादा अनड्यूलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एंड दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पाथ ऑफ अमरनाथ यात्रा। दूसरा पाथ यदि अपन देखें, वो बलतल से लेकर यहाँ तक जाते हुए अमरनाथ जाता है। इसको यदि अपन देखें, दिस कम्प्लीट्स इन 8 hours अप्रॉक्सीमेटली, 8 to 10 hours में ये कंप्लीट हो जाता है। हाउएवर दिस इज इवन मोर अंडुलेटिंग, और ज्यादा चैलेंजिंग टेरेन है। इस वजह से इसे नॉर्मली यंग लोगों को एडवाइस किया जाता था अधेयर करने के लिए। यहां पर कोई भी मोटरेबल पाथ नहीं है, इनफैक्ट ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि यहां पर मोटरेबल पाथ, कोई भी मेटल रोड बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी तक, ठीक है। अब यदि अपन इसी सिचुएशन में समझें, तो अब यहाँ पर बलतल से दिस पॉइंट पंचतारणी से हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हो। तो दीस आर द 3 ways जिससे अमरनाथ यात्रा में जाते थे। पहले ये हेलीकॉप्टर राइड स्ट्रेट श्राइन के थोड़ा पहले 400-500 meters पहले ही रोका जाता था, बट क्योंकि ये माना जाने लगा कि कॉप्टर की वजह से, चॉपर की वजह से जो श्राइन है वो ज़्यादा तेज मेल्ट हो रहा है, इसी वजह से इसको थोड़ा सा दूर कर दिया गया पंचरत्नी से। ये ऑलमोस्ट 4 kilometers अवे फ्रॉम द श्राइन है अभी की डेट में। अब यदि आपको पता होगा तो जो अमरनाथ का जो केव है,
ये पूरा का पूरा आइस से खुद ही एक शिवलिंग बनता है, और सीजन के इन्फ्लुएंस के हिसाब से साइज की क्वांटिटी कम ज़्यादा होते रहती है. तो इट इज़ ओपन टू द पैसेंजर और फॉर द पिलग्रिमेज ओनली इन द मंथ्स ऑफ समर. विंटर में ये एरिया नॉन एसेसिबल हो जाता है. अब यदि अपन समझें कि न्यू प्लान क्या बना गया है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वो नया प्लान ये है कि दोनों की दोनों जो अपन ने पाथ डिस्कस किया में मॉडिफिकेशन की गई है. तो सबसे पहला जो पाथ अभी बनाया गया है वो पहलगाम से बनाया गया है. पहलगाम से चंदनवाड़ी तक ऑलरेडी मोटरेबल रोड थी, इस पाथ से लेकर ये वाले पाथ में भी मोटरेबल टू लेन रोड बना दी गई है, 15 फीट चौड़ी रोड बना दी गई है. इससे होता क्या है, अब पूरा का पूरा कार यहाँ तक चले जाएगी. ठीक है, दिस इज पंचतारणी. अब एक और प्लान ये है, सेकेंड प्लान ये है कि बलतल से लेकर पंचतारणी और संगम तक भी एयर जो रहता है स्विंग्स से, रोपवे से, उससे भी कंस्ट्रक्शन करने की बात है. तो इस वजह से होगा क्या कि द एरिया ऑफ अमरनाथ, द होली श्राइन वुड बिकम मोर एसेसिबल, और इससे माना जा रहा है इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा ऑफ द लोकल इकोनॉमी. साथ ही साथ जो इंडियन होली साइट है उसको पहुंचने का जो एक्सेस है बढ़ेगा. और इसके साथ एक मुद्दा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल वुड डेवलप, लोकल एरिया वुड डेवलप, लोकल लोगों को जॉब्स मिलेगा और एक ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी. तो यदि अपन बात करें, दिस इज द बेसिक आइडिया. अब बट देर आर नंबर ऑफ इशूज विथ दिस. सबसे पहले यदि आप इशू पढ़ोगे विथ रिस्पेक्ट टू द कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है किसी भी इन्वायरमेंट की, यदि अपन बात करें तो दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट. इस थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद यदि अपन उसे और ज़्यादा स्ट्रेस को एक्सपोज करते हैं तो उस एटमॉस्फेयर, उस एरिया में बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव इम्पैक्ट्स बेयर करना पड़ सकता है. तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस एरिया की कैपेसिटी मात्र 4500 पिलग्रिम्स पर डे की है. अभी ही ये कैपेसिटी ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, पीक में 14,000 पिलग्रिम्स पर डे विजिट करते हैं. और ये एरिया के ज़्यादा एसेसिबल होने से और ज़्यादा पिलग्रिम्स एरिया विजिट करेंगे, तो एरिया का जो ऑलरेडी फ्रेजाइल कंडीशन है उसे हैम करेगा. ऐसा ही कुछ अपन ने देखा था यदि चार धाम योजना, चार धाम योजना जो थी वो उत्तराखंड के चार पिलग्रिमेज साइट्स जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट करने के लिए डबल लेन्ड पाथ्स बनाए गए हैं, उनके लिए एक्सट्रीम डिफॉरेस्टेशन की गई है. इसी के रिगार्डिंग हिमालयन रीजन ऑफ द उत्तराखंड में बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को फेस करना पड़ा है. ऐसा इंसिडेंस एक हुआ था जोशीमठ में, जहां पर एक्सट्रीम मैनिपुलेशन ऑफ हिमालय की वजह से लैंडस्लाइड देखा गया था, जहां पर लोगों के घर एंड लैंड सब्सिडेंस दोनों देखे गए थे, लोगों के घर बहुत एक्सट्रीम मेजर तक धंसते गए. इनफैक्ट जोशीमठ पूरा का पूरा एक सिंकिंग टाउन बन के सामने देखा जा रहा है. फ्यूचर ऑफ जोशीमठ इज इन डेंजर इस इन हिमालयन डेवलपमेंट ब्लंडर्स की वजह से. तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं क्या हम एक दूसरा जोशीमठ और दूसरा हिमालयन ब्लंडर तैयार कर रहे हैं अमरनाथ की तरफ भी. ऐसा ही कुछ पॉलिटिकल एक्यूजेशंस भी लगे हैं इसी मुद्दे को लेकर. यदि अपन समझें, हिमालयन ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिस्टम, इन्वायरमेंटल सिस्टम है. इस वजह से होता क्या है, थोड़े से भी यदि अपन उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ऑफ टनल के लिए ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी. सिमिलरली रोडवेज के लिए सारे के सारे जो प्लांट हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा, रोड बनाने के लिए रोड को ब्रॉडन करना पड़ेगा, उसके लिए फिर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कैरी ऑन होगी. इस वजह से होता क्या है कि जो हिमालयन का जो जियोलॉजी है वो बहुत डैमेज होती है, और दिस गेट्स प्रोन टू लैंडस्लाइड. और हिमालयन आप जानते हैं कि हिमालयाज जो है ऑलरेडी सेस्मिक 5 जोन में है, मतलब कि अर्थक्वैक प्रोन एरिया है सबसे हाई डिग्री का. इसकी वजह से क्या होगा, यदि कभी अर्थक्वैक आया
तो पूरा का पूरा रीजन बहुत सीवियर कंसिक्वेंस से डैमेज हो सकता है। इसके बाद जब भी टूरिस्ट आते हैं क्या होता है, वेस्ट बहुत तरीके के होते हैं। ये वेस्ट इकोलॉजी पूरे जो नेचुरल ड्रेनेज साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। यदि आप रोड को डग कर रहे हो, पहाड़ को तोड़ रहे हो, तो जो उसका वेस्ट रहेगा जिसे ओवरबर्डन भी बोला जाता है, उससे मक निकलता है, मतलब कि जो वेस्ट है वो वेस्ट को नॉर्मली रोड के साइड में डंप कर दिया जाता है। जब बारिश आती है तो धीरे धीरे वो कंसोलिडेट होता है, बट किसी भी मूवमेंट की वजह से ये मक यदि डाउनस्लाइड हो गया, ये जमीन नीचे धसक गया, तो ये लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकता है। साथ ही साथ ये मक और काम क्या करता है कि जो नेचुरल ड्रेनेज साइट्स हैं, जो नेचुरल नाले हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस इज द आइडिया। सिमिलरली यदि अपन जो सोना मार्ग देखे थे, दिस इज द सोना मार्ग ऊपर वाला, यदि दिस इज नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वाले एरिया में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है झेलम की ट्रिब्यूटरी सिंध है। यहां से बहुत सारी छोटी छोटी नदी निकलती है जो नॉर्दर्न जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइफलाइन का रोल प्ले करती है। यदि किसी भी तरीके से इन वाटर को ओवर यूज किया गया या इनका पाथ को ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो लोगों की जिंदगी बहुत तरीके से तबाह हो जाएगी। इसके बाद ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से बहुत तरीके के हजार्ड्स इंड्यूस हो रहे हैं हिमालय में। इनफैक्ट एक स्टडी ये बोलती है कि जहां दुनिया का टेम्परेचर 1.2 डिग्री से 1 से 1.2 डिग्री के बीच में बढ़ रहा है, वहीं हिमालयन जैसे रीजन का 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मोर देन डबल द रेट से हिमालय गर्म हो रहा है। इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस ये होता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा फील होता है। एक मेजर इशू आप समझो हिमालयास या किसी भी बैकवर्ड या इनएसेसिबल एरिया में ये होता है, जब आप टूरिस्ट को इनवाइट करते हो तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, फॉर एग्जांपल होटल्स बनेंगे या होमस्टेज बनेंगे, साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ टॉयलेट्स, नंबर ऑफ शॉप्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बट यदि आप अभी देखोगे तो ये सारी चीज़ बनने में फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मेजर डैमेज होगा, सारी के सारी हिमालयन इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। और जो वेस्ट, अब जैसे मान लीजिए टॉयलेट नहीं होगा, यदि टॉयलेट नहीं होगा तो उसकी वजह से जो ओपन में जो लोग वॉशरूम यूज़ करेंगे दैट वुड पोल्यूट द वाटर बॉडीज। इसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट की वजह से जो लोकल सोर्स हैं वहाँ पर नाइट्रोजन ऊपर की क्वांटिटी बढ़ती है, तो दैट वुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक वीड्स। इस फिनोमिना को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, जहाँ पर झाड़ी वीड्स की क्वांटिटी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाता है। तो मतलब इन ऑल कंक्लूजन ये है कि इफ़ एट ऑल वी आर टू डेवलप हिमालयास, दिन हिमालयास को डेवलप करने के लिए अपन को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर वन, वी हैव टू फॉलो इन्वायरमेंटल फर्स्ट अप्रोच। इन्वायरमेंटल फर्स्ट अप्रोच में वी हैव टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द इन्वायरमेंट, उसी के साथ अपन करेंगे। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, हमें उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैरी करना है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपन निकाल लेंगे। इफ एट ऑल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में क्लैश है तो हम हमेशा इकोनॉमी से ज़्यादा इन्वायरमेंट को प्रेफरेंस देंगे। साथ ही साथ लोकल लोगों को बेनिफिट करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अपन इको टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, जैसे लोकल लोगों को ट्रेन कर दिया जाए एज गाइड, ठीक है, उन्हें होम स्टेज का मौका दिया जाए। इन सब में होता क्या है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से हिमालयन डेवलपमेंट किया जा सकता है और लोकल लोग को बेनिफिट होगा। बाहर के लोग नहीं आएंगे तो जिनका स्टेक होता है वहां पर, वो ज़्यादा उस एरिया को ध्यान डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यदि अपन सोचें तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें हमेशा प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए, जो कोई भी इम्पेंडिंग डिजास्टर हो सके उसके लिए अपन को हजार्डियस सिस्टम से प्रिपेयर कर रखना चाहिए। दिस इज द अप्रोच वी नीड टू फॉलो। इसके अलावा यदि अपन एक कैपिंग कर दें, कैपिंग ऑन द नंबर ऑफ टूरिस्ट, इससे भी कंट्रोल करा जा सकता है टूरिस्ट। वी कुड ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा सकता है,
जैसे कि लोकल हैंडीक्राफ्ट को अपन ई कॉमर्स साइट में प्रमोट कर सकें, 3D एक्सपीरियंस से यूज करके हम अमरनाथ अदर होली साइट्स का दर्शन लोगों को दिखा सकें, जिससे सिर्फ लोग आना ना चाहें बल्कि कोई ओल्ड एज है या सिंपल जो आना चाह रहा है वो ऑनलाइन भी दर्शन कर सकें। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम विद इन द लिमिट्स ऑफ द नेचर, नेचर को बिना ऑब्स्ट्रक्ट किए, बिना डिस्ट्रॉय किए, वी कुड कंटिन्यू द डेवलपमेंट। नाउ प्रिलिम्स रिलेटेड टॉपिक आता है बीआरओ। बीआरओ की बात करें हैं तो बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। 2015 से स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा वर्क एंगेजली हो गया है इसके बाद से। नॉर्मली बॉर्डर एरियाज में ये रोड और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है, सिर्फ रोड नहीं जैसे कि टनल्स, ब्रिजेस, सब कुछ इसी में कंस्ट्रक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो आती है, बॉर्डर एरिया हमारे सारे नेबर्स के आसपास है, तो इन एरिया में डेवलपमेंट ज़रूरी है। डेवलपमेंट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि लोगों को वो सारी फैसिलिटीज मिले जो मेनलैंड में भी मिलती है, वो बॉर्डर में भी मिले। इस वजह से गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली बॉर्डर एरियाज को डेवलप कर रहा है एंड बीआरओ उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जो इसके जो ऑफिसर्स रहते हैं वो इंडियन आर्मी के ही इंजीनियर्स विंग, मिलिट्री पुलिस और आर्मी पर्सनल से लिए जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी हेल्प किया है इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस है दिलाराम जारंग हाईवे, ये अफगानिस्तान में है। जो अपन छाबर पोर्ट जो ईरान में है उससे लेकर अफगानिस्तान में एंट्री कर रहे हैं, अफगानिस्तान में ये रोड बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट किया है। साथ ही साथ ताजिकिस्तान एक पहली कंट्री है जहां पर इंडिया का एक ऑफ द कंट्री, इंडिया के बाहर एक फॉरेन एयर फोर्स का बेस है, यहां पर भी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बीआरओ ने किया है। बहुत सारी कंट्रीज, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, भूटान, म्यांमार में कंस्ट्रक्शन किया है। तो बीआरओ प्रिलिम्स के पर्पज से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ GS3 में डिफेंस फोर्सेस के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट आ सकता है। बेसिक्स ऑफ बीआरओ पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।